नमस्कार, मैं रंजा सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही बिजनौर के क्षेत्र धामपुर से। वैश्विक महामारी कोविड-19 जैसी महामारी को लेकर धामपुर का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। आज नगीना चौक पर आने जाने वाले लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड-19 की जाँच की, साथ ही लोगों को कोविड-19 जैसी महामारी के लिए जागरूक किया। डॉक्टर मनीष राज शर्मा ने बताया, नगीना चौक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गाँव में भी टीम भेजी गई है। सभी जगह कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया, धामपुर के CHC पर कोरोना पेशेंट अपना इलाज करा सकते हैं। वहां ऑक्सीजन हर समय मौजूद है। कोविड-19 के पेशेंट का धामपुर के CHC पर हर समय इलाज मौजूद है। कोविड-19 के पेशेंट के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम 24 घंटे तैयार है। धामपुर से हमारे संवाददाता दिनेश कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष शर्मा जी, इंचार्ज प्रभारी। ये जो हमारी कोविड की सैंपलिंग हो रही है, मेन PSC पे हो रही है। यहाँ पर नगीना चौराहे पे कॉन्टैक्ट सैंपलिंग करा रहे हैं। घर घर जाके गाँव में एक ही हमारी वहाँ गई हुई है, वहाँ सैंपलिंग करा रही है, रैंडम सैंपलिंग करा रही है, कॉन्टैक्ट की सैंपलिंग करा रही है। जो मरीज खांसी जुकाम जो कोरोना संभावित लक्षण वाले पेशेंट्स हैं, वो डायरेक्ट जाके भी मेन PSC पे अपनी सैंपलिंग करा सकते हैं। तो एक टीम हमारी अभी वहाँ गई हुई है, गाँव में गई हुई है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सैंपलिंग करने गई हुई है। अभी एक सैंपलिंग की टीम हमारी मेन PSC पे है और यहाँ भी सैंपलिंग हो रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि L2 फैसिलिटी हमारी धामपुर CHC पे स्टार्ट हो गई है। वहाँ पर 24 घंटे एंटीजन कोविड टेस्ट की फैसिलिटी है। आप जो सांस फूलने वाले मरीज हैं या जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वहाँ वो जाके अपनी टेस्ट करा सकते हैं सैंपलिंग की, और जो पॉजिटिव पेशेंट आएगा वो उसको तुरंत ही वहाँ कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया जाएगा, उसका इलाज कराया जाएगा, ऑक्सीजन लगाई जाएगी। सारी सुविधा है वहाँ पर, ऑक्सीजन की सुविधा है, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, एंटीजन टेस्ट है। 12 घंटे की दो दो शिफ्ट में 2 LTs की ड्यूटीज है, तो कोविड एंटीजन टेस्ट की सुविधा है। वो उसके अंदर 15 मिनट में आ जाते हैं। वही वेंटिलेटर वगैरह? वेंटिलेटर तो नहीं है, पर लेकिन ऑक्सीजन की सुविधा है, और अभी अभी ऑक्सीजन और भी मंगवाई जा रही है, जिससे कोई भी कमी नहीं आएगी। तो जो भी कोई पेशेंट है, इस सुविधा का जरूर लाभ उठाएं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।